आज अगर वो एक जमीन का टुकड़ा भी ले लेते ना, तब उनके टाइम के अंदर 70-80 रुपए गज मिल जाते थे। आज हम भी अदानी, गौतम अदानी या मुकेश अंबानी होते, सिर्फ ध्यान था तो बच्चों पे बच्चे आ रहे थे ना। बच्चे, पाकिस्तान की आबादी देखो 26 करोड़ पहुंच गई है। एक बीवी पे गुजारा नहीं होता ना इंसान का। बीवी एक बच्चा देगी, दो देगी, वो कहता मुझे ज्यादा बच्चे चाहिए, फिर मर्द ताई भी तो शादी करता ना। रिक्वेस्ट है आधी करवा दो लूली। आंटी उधर खड़ी, उसके पास चली जाए। तो आंटियां पसंद है, ये पसंद है आजकल की लड़कियों, चार चार लड़के सेट किए हुए हैं सिर्फ ब्रांड के कपड़े पहनने के लिए। आंटियां पैसे खिलाती हैं? हाँ, कसम से आंटियां पैसे खिलाती है। चार तो जायज है, वैसे इस्लाम में लौंडियां भी होती हैं, को पांच छह वो भी रख लेंगे। तो यार, पाकिस्तान में पीओके की वजह से माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है। वैसे ही दोस्तों इतनी गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में माहौल को थोड़ा ठंडा और मैनेज करने के लिए हमारी नायला पाकिस्तानी ने एक अलग टॉपिक छेड़ा पाकिस्तानी पब्लिक के सामने, कि अगर इस भुखमरी के हालात में उनको दूसरी शादी करने का मन में ख्याल आए, मौका मिले, तो वो किससे करना चाहेंगे। मतलब क्या उनकी चॉइस रही, क्या वो करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, या फिर एक ही के साथ मैनेज करेंगे। तो भाई, पाकिस्तानी पब्लिक है और पाकिस्तानी यूथ है, उनके तो फिर अलग ही आपको ओपिनियन देखने को मिलते हैं। तो पाकिस्तानी यूथ का कहना है कि भाई, हम दूसरी शादी करेंगे या पहली शादी करेंगे तो किसी आंटी से करेंगे, किसी लौंडिया, मतलब लौंडिया रखेंगे, ताकि जो घरवाली को रखने का जो है ना खर्चा ना उठाना पड़े। और आंटियां तो भाई खुद ही मतलब खर्चा करेंगी, हमको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यार, डिटेल में तो हमें पाकिस्तानी पब्लिक और यूथ ही बताएगी कि भाई क्या उनके ओपिनियन है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। टॉपिक तो बहुत ज़बरदस्त है। क्या वजह है कि पाकिस्तानी 2 करोड़ से ज़्यादा मर्द, सर्वे रिपोर्ट कहता है कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, पहली बीवी से क्या मसले हैं इन्हें? सबसे पहली तो बात ये है कि वो इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं। ये तो एक टॉपिक ये लेके आती हैं, ठीक है ना। लेकिन 4 शादियां अगर जायज़ है ना, तो इस्लाम में नमाज भी जायज़ है, रोज़ा भी जायज़ है, इस्लाम में और भी बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ को क्यों फॉलो किया जाता है कि इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं और मर्द एक से ज़्यादा शादी कर सकता है। तमिल सर्वे रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा जो मर्द हैं वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। और यार, ये मामला तो बड़े देर से चलते आ रहे हैं। यकीन करो कि हमारे जो कि आज हम गरीब है ना, इसके जिम्मेदार हैं हमारे दादे परदादे। यकीन करो, इतने बच्चे ही बच्चे, सारा ध्यान बच्चों पे फोकस, हर टाइम बच्चों पे अगर फोकस। आज अगर वो एक ज़मीन का टुकड़ा भी ले लेते ना, तब उनके टाइम के अंदर 70-80 रुपए गज मिल जाते थे। आज हम भी अदानी, गौतम अदानी या मुकेश अंबानी होते, हम में से कोई भी अगर वो ज़मीन खरीदते, उनका सिर्फ ध्यान था तो बच्चों पे बच्चे आ रहे थे ना। बच्चे, पाकिस्तान की आबादी देखो 26 करोड़ पहुंच गई है। वसाइल इतने कम, हमारे मुल्क के मसाइल में सबसे बड़ा मसला हमारी आबादी है। अगर आबादी की अगर हम बात करें तो देखो, एक मोबाइल की कैपेसिटी 1 GB, आप उसके अंदर 8 GB डालोगे, आबादी के लिहाज से गाड़ियाँ इतनी गुजरने के लिए, बंदे इतने, रश इतना, बंदा क्या करे। एक कौम है जो कहती है कि भाई 5-6 साल तक निकर बगैर कच्चे के भी घूमे तो चल जाता है। तो ये पॉइंट, ये सोच है, आप मुझे बताओ कि जहाँ पर क्या एक दो बच्चे पैदा, उनको बताओ कि भाई उनकी तरबियत है पहले, उनको एक अच्छा शहरी बनाया जाए। तो ये चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं है, सिर्फ बच्चे पैदा करने और शादियों करने पर उसने सही रिपोर्ट दी है। पैराडे सर्वे की रिपोर्ट, बस उसी की, जिसकी भी रिपोर्ट हो उसने यही चीज़ पर फोकस किया, उन्होंने सही बताया कि हमारी कौम जिंदाबाद है सिर्फ बच्चे पैदा करने और शादियों करने पर। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ना इलाके में मैं गया था, वहाँ पर उस बंदे ने 4 शादियां की, तो उसके 18 बच्चे थे, नाम याद है उसको सब। और घर से ना मैं उससे मिलने गया, कोई इस तरह का ही ना जान पहचान वाला था। यकीन करो कि जब गया ना, तो शुरू हुए बच्चे इधर से लेके इतने बड़े बड़े, और इनकी हाइट इतनी ज़्यादा। मैंने कहा, खान साहब क्या सोच रहे हैं, जरा इनसे भी करते हैं बात। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इमरान खान के साथ शादी करनी है। ये कॉन्सेप्ट वही है ज्यादा। हाँ, ये देखो ना, अभी इनका भी कॉन्सेप्ट यही है कि पता नहीं इनकी शादी होगी भी या नहीं होगी, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट है कि भाई इन्होंने भी इमरान खान के साथ शादी करनी है। चले, देखी जाएगी जो होगा आगे। हमारी पहली भी नहीं हुई, दूसरी क्या करवानी है। क्या ना, हम तो अभी पहली करवाना चाह रहे हैं, दूसरी क्या होगी। अच्छा, क्या पढ़ते हैं या कोई जॉब करते हैं? नहीं, अभी डिग्री कर रहे हैं, BS न्यूट्रिशनिस्ट। जबरदस्त। तो जाहिर है, जब स्टडी कर रहे होते हैं तब तो शादी नहीं होती ना। नहीं करवाते हैं, दो दो करवा लेते हैं बंदे। हाँ। साथ में कामयाब होते हैं हम। हाँ, और कोई नहीं मिली, किसी ने भी लिफ्ट नहीं कराई, शक्ल ही ऐसी नहीं रखते।
अच्छा क्या वजह है मर्द दूसरी शादी क्यों करना चाह रहे हैं कि बीवी से खुश नहीं है, बीवी उन्हें सुखी नहीं रख रही, क्या वजह है? ये तो अब शादी करवाएंगे ना तो उसके बाद आइडिया होगा कि मसला क्या है। चले आप बताएं आप कितनी शादियां करेंगे? चार तो जायज़ हैं, वैसे इस्लाम में लौंडियां भी होती हैं, को पाँच छः वो भी रख लेंगे। तो इतनों को संभाल लोगे? ट्राई तो करेंगे ना, ट्राई तो करेंगे। बाल सर पे चाहिए क्या? नहीं पहले ही नहीं है गंजे तो। अच्छा कि वैसे ये पप्पू वो चांद रखा, बड़ा अल्लाह रखा, दरमियाना अल्लाह रखा, ऐसे बुलाएंगे जी? नाम याद रहेंगे? नाम याद रहेंगे आपके? पता नहीं मुझे, मैं तो वैसे करती रहता हूँ, एक ही करनी चाहिए। हाँ। इस जैसे लोग होते हैं, हिंदी से पूछे एक ही करनी चाहिए। हाँ एक ही करनी चाहिए। लेकिन अब 2 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी कहते हैं हमें दूसरी करनी है, लेकिन शायद बेचारे के पास पैसे नहीं है या घर वाले बड़े सख्त हैं, बीवी बहुत सख्त है, मतलब ख्वाहिश तो है ना उनकी। विश और रियलिटी में तो फर्क होता है ना, अब मतलब एक चीज आप विश कर रहे हैं अब वो रियलिटी में नहीं हो सकती। तो आपकी क्या विश है? एक होनी चाहिए बेगम या दो? नहीं वो आपका कमिटमेंट पे है कि अगर आपके एक साथ साथ आपकी कमिटमेंट हो गई है तो फिर आप करें, एक पे इत्तेफाक करें। अगर आपको लग रहा है कि आप मौत की तरफ जा रहे हैं तो अच्छा, हमें भी आवारा गर्दी और पैसा जुआ लगाता हूँ, पैसा कमाता हूँ बस। कितने कमा लिए? अल्हम्दुलिल्लाह बाप की जंसी थी 7 अप डू पेप्सी मिरिंडा स्टिंग की जुए में, वो भी चली गई। वो मिस्टर वैफल की दुकान थी मेरी, वो भी जुए में चली गई। और जमा पूंजी एक बाइक बची थी कल, वो भी हार गया मैं। तो जुआ तो हराम है, आप क्यों लगाते? वो मेरा साइड बिजनेस है, वो खून पसीने की कमाई है। जब जुआ लगाते हैं किसी बॉल पे छक्का लगता है, मुखालिफ टीम लगाती है, खून जलता है ना। तो ध्यान रखना किसी दिन कपड़े ना लगा दो, मुझे नजर आए मार्केट में नंगे फिर रहे हो। हालत यही हो गया, एक कच्चा बचा बस, कल वाले मैच में कपड़े ही लगाऊंगा, 1500 के बिकेंगे वो लगा लूंगा। दोस्तों आपने इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना, ठीक है? कह रहा हूँ कसम से, मैं रोड पे आ गई हूँ, अल्लाह की कसम, माँ कसम, झूठ नहीं बोला। वो अड्डा मेरा जुबे में अभी तक कुछ सीखा नहीं है, सीखने को कुछ बचा ही नहीं है, आधी भी नहीं हो रही। कोई लूली लगड़ी मिल जाए वो भी नहीं मिल रही। हाँ। मिलनी भी नहीं है। जिसका खुद घर नहीं होगा वो किसी को क्या घर दे? घर है, घर अभी जुबे में नहीं लगाया वो है, उसकी अगली बारी है घर की, अभी नहीं लगा लेना, बाद में लगाएंगे। वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान की टीम है, जो हमारे हिजड़ों के कैप्टन है बाबर आजम साहब, उस पर लगाऊंगा। जीत गए तो 2 घर हो जाएंगे, वरना वो बेघर हो जाएंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिजड़ों के कैप्टन है बाबर आजम साहब। बड़े लोगों के आइडियल है। हाँ आइडियल है, बिल्कुल आइडियल है, जो नेदरलैंड से आ गए 183 बना के, वो आइडियल है। दूसरी नहीं करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ 4 करनी चाहिए, ऑप्शन है ना, चारों चारों करनी चाहिए। मेरी यार रिक्वेस्ट है कोई आधी करवा दो, कोई लूली लगे। आंटी उधर खड़ी उसके पास चले जाए। लड़कों को आजकल के जो लाहौर के लड़े उन्हें लड़कियाँ ज्यादा पसंद आती है कि आंटी? मुझे तो आंटियाँ पसंद है। नहीं लड़कियाँ अच्छी होती है, लड़कियाँ डेफिनेटली, आंटियाँ एज का फैक्टर होता है, वो जो 28-29 साल का होगा उसको आंटी पसंद आएगी। मेरे जैसे जवान बंदे को आंटी इसलिए पसंद है, आजकल की लड़कियों 4-4 लड़के सेट किए हुए हैं सिर्फ ब्रांड के कपड़े पहनने के लिए, आंटियाँ पसंद है। आंटियाँ क्यों पसंद है? आंटियाँ पैसे खिलाती है? हाँ कसम से आंटियाँ पैसे खिलाती है, सच है। नहीं लड़कियों के साथ ज्यादा अगर आंटियाँ पसंद करनी है ना, फिर लड़कियाँ कहाँ जाएगी? तो फिर लड़कियाँ कहाँ जाएगी? मेरे मुझे मिल जाए यार, कोई मिल नहीं रही, इसीलिए कह रहा हूँ मुझे तो आंटियाँ पसंद है। नहीं लड़कियों का हक है कि शादी या मोहब्बत एक ही जरूरी होती नहीं है। मोहब्बत वाली बात झूठी है, आजकल जिसकी जेब में पैसा है साले मामू और चाचू भी आके पूछते हैं बेटा कैसा है। मोहब्बत पहले दौर में होती थी, आजकल तो मोहब्बत नहीं है, सिर्फ पैसा पैसा हो, गाड़ी हो, अच्छी अच्छा फोन हो, अच्छी ड्रेसिंग हो, चाहे 10 लड़कियां सेट कर लो। आपके पास अगर कायदे आजम है तो सब कुछ है, कायदे आजम पॉकेट में होना चाहिए, ऐसे दिखा दो जिसको मर्जी लेके चले जाओ। कितने पानी आ रहा है? डर गया ना, जियो में ना भेज दे इसलिए कोई आता नहीं है। नहीं यार इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ, घर है, गिरा हुआ है। इतना भी गिरा हुआ नहीं, अभी घर है, वो बाद में चलेगा आगे। अच्छा ज्यादा रिलेशनशिप में लड़के लॉयल होते हैं कि लड़की? लड़के स्टार्ट में लड़के तो नाइक नहीं, लड़के होते हैं, क्योंकि मेरे 3-4 दोस्त हैं वो भी बर्बाद हुए इश्क के चक्कर में, उसके बाद हाँ मेरे बाद वो बर्बाद हुए। मैं तो जुए में हुआ, वो इश्क में हुए। नहीं स्टार्ट में लड़के लॉयल होते हैं लेकिन बाद में ना वो लड़की बना देती है अपनी चीजों के साथ, वो लड़के को ऐसा बना देती है, बाद में वो फिर एक नहीं वो 4 लेके फिर रहा था, पता भी नहीं चलता कि कौन कौन फिर रही है इस टाइम। अच्छा, देखिए कि लड़कियां कसम से ब्रांड के कपड़े पहनने के लिए 3-3 आशिक बनाए हुए हैं। हाँ। तो लड़के दिल से मोहब्बत करते हैं तो
तो लड़कियां नहीं करती, सिर्फ पैसे खाने के लिए ब्रांड मैकडॉनल्ड्स भी होना चाहिए। खाली खाली काम नहीं चलता ना, थोड़ा पैसा भी होना चाहिए। दिखता है तो बिकता है, पैसा दिखता है तो लड़कियां भी आती हैं। मैंने अगर कोई लड़की मेरे साथ सेट होगी, पैसे होंगे, वो कहेगी मैंने 10-11 पे जाना है, वो पीछे मैकडॉनल्ड है उधर जाना है, तो वो पैसे खाने के लिए आते हैं, मोहब्बत करने के लिए नहीं। बाद में कहती हो सॉरी जानू मेरी तो मामा पापा नहीं मान रहे, तो मेरी सगाई मेरी फूफू को फूफी के बेटे के साथ होगी या ताया अबू के बेटे के साथ होगी। बाद में यही डायलॉग बातों से लगता है आपको बहुत बड़ा धोखा धोखा मिला है। मुझे एक लड़की से मोहब्बत की थी लेकिन साली शादीशुदा निकली, दो बच्चे भी थे, वो भी मुझे थाने में जाके पता चला, लेकिन वो भी उठाया हुआ था, उसने अपनी दोस्त भगा दी। तो मुझे कॉल की किधर हो थाने में आओ, मैं कहा यार अल्लाह खैर ही करे, थाने में गया तो एक बच्चा उठाया हुआ था, एक की फिंगर पकड़ी हुई थी के सामने का मामू आ रहा है देखे। घर बैठे मामू आ गए, मामू आ रहे बेटा, वो देखो सामने मामू आ रहे आपके, आपको तो सच में मामू बना दिया मामू। मैंने कहा बाय वन गेट वन फ्री। यस यस। अच्छा नहीं पहले से दो पल्ले पलाए बच्चे मिल रहे, मेहनत ही करनी पड़ेगी, कमा के खवाड़ के तू जुआ लाई फिर। नहीं ऐसी औलाद नहीं चाहिए, हम इज्जतदार लोग हैं। अगर सवाब ही कमाना है तो किसी बेवा से कर लो, किसी गरीब से शादी करें, जो जो जरूरतमंद है उससे शादी करें, जिसके एक दो बच्चे हैं और उसके हस्बैंड नहीं हैं आप उससे भी तो शादी कर सकते हैं ना। अपनी शादी के लिए उनको कुंवारी और 21-22 साल की बच्ची चाहिए, और ख़ुद वो चाहे कायदे आज़म के ज़माने के हैं या लामा इकबाल के क्लास फेलो हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ ठीक है निकाह को आम करें, लेकिन ये है कि ख़वातीन की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी आसानियां पैदा करें, इसमें भी कोई आराम दे। हाँ हाँ, ख़वातीन के लिए भी कुछ हकूक होने चाहिए। सिर्फ चार शादियां कर लेना ये इस्लाम का हकूक अदा कर लेना बड़ी बात नहीं है। और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों को कहा जाता है कि ये बहुत अच्छी औरत है क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही है। जी जी, क्योंकि वो और दो औरतों के हकूक तो पूरे कर नहीं सकते। हाँ। और बच्चे उनको बहुत ज्यादा चाहिए। हाँ। ऐसे मर्दों को क्या कहेंगे जो दूसरी शादी करना चाहते हैं, पहली बीवियां उनसे सख्त ना तंग आई हुई अच्छी है। हाँ। और बच जो औरतों से बहुत पिटोगे। हाँ हाँ, बहुत पिटोगे। इस सर्वे के बाद हर औरत अपने खावन को मशकूक निगाहों से देख रही है, कहीं उस सर्वे में तुम्हारा नाम तो नहीं है। कहते हैं ना दिल, मतलब दिल में तो अल्लाह रहते हैं ना, तो वो नहीं तोड़ना चाहिए। ये तो है ना, वो सर्वे फिर ऐसे लोगों के पास जाके। अच्छा मैं आपसे पूछ रही थी ब्रेकअप में ज्यादा लड़कियां रोती हैं कि लड़के? ये नहीं पता, ब्रेकअप कोई हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। कोई फ्रेंडशिप कोई दो? नहीं नहीं, कभी नहीं। इतने सीधे लगते तो नहीं है मुझे। नहीं नहीं, हम शरीफ से लड़कियां सारे दोनों तीनों। आप जरा इनका भांडा फोड़ो। नहीं, आपको शक्ल से देख के पता चल ही गया होगा इतने शरीफ है। सो गाइस, वीडियो देखकर आपको कैसा लगा आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी रीच बढ़े और लोग भी हमारी वीडियो देखकर एंटरटेन हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।